वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान समेत तकरीबन दुनिया भर में कोरोना से पीछा छूट रहा है। मुल्क में 97% कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। माशाल्लाह पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट 2% के आसपास है। कोरोना की 5वीं लहर के दौरान परसों पाकिस्तान भर में मजमू कम तरीन मुस्बत शरह सामने आई और इन्फेक्शन रेट सिर्फ 1.29% रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान भी मुस्बत केसेस की तादाद 2% रही, यानी 100 टेस्ट के बाद सिर्फ 2 मरीजों की कोरोना की तशखीस हुई है। पाकिस्तान में कोरोना की तकरीबन तमाम पाबंदियां उठ गई हैं। दुनिया भर में भी सख्त पाबंदियां ख़त्म हो रही हैं। अमेरिका, यूरोप, जहां कोरोना ने सबसे ज़्यादा तबाही बचाई, वहाँ भी केसेस में वाज़े कमी आ चुकी है। दरअसल पिछले 2 माह के दौरान दुनिया भर में कोरोना का जोर टूट गया है। बहुत खुशी और इत्मीनान की बात है कि इस हफ्ते से हरमैन शरीफेन में भी फासले ख़त्म करके मुकम्मल गुंजाइश में नमाज की अदायगी शुरू हो चुकी है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज और ज़ियारत के लिए अब इजाज़त नामे की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 2 साल बाद नमाजी सफ़ों में कंधे से कंधा मिलाकर नमाज अदा कर रहे हैं। हरमैन शरीफेन के सहन में समाजी फासले के स्टिकर्स हटा दिए गए हैं। सिर्फ मास्क पहनने की शर्त आयद है। शाबान के महीने और रमज़ान की आमद से कबल सऊदी हुकूमत ने PCR टेस्ट और क्वारंटीन की शर्त भी ख़त्म कर दी है। ज़ायरीन और आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना बहरहाल ज़रूरी है। बहरहाल अब दुनिया में कोरोना वैक्सीन पास का ज़माना है। वैक्सीन हर सूरत लाजिम है। हौसला अफजा बात है कि कौमी वैक्सीनेशन मुहिम ने 2 रोज़ कबल एक अहम संग मील अबूर किया। 100 मिलियन यानी 10 करोड़ पाकिस्तानी अब मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवा चुके हैं, जबकि 127 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवाई है। गोया मुल्क की आधी आबादी मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा है। 65% के करीब अवाम एक डोज लगवा चुके हैं। कोरोना की मजबूती सूरत हाल पर यहाँ पर दुनिया भर में इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है एक बार फिर डॉक्टर जफर मिर्जा को, साबिक मावन खसूसी बराए सेहत। डॉक्टर साहब का तवील तजुर्बा रहा है WHO के साथ भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर मिर्जा साहब। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम शायद उस दौर के करीब आ गए हैं जहां अब हम तकरीबन कोरोना भुगत चुके हैं। अब शायद उस शिद्दत के कोरोना की वबा, जैसे कि अभी हम हालिया 2 सालों में 4-5 बार देख चुके, शायद अब उस जैसा माहौल ना आए दोबारा। जी बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया, करीब पहुंच चुके हैं लेकिन बहरहाल अभी खतरा ख़त्म नहीं हुआ, ये कहना भी साथ ज़रूरी है। यकीनन ऑप्टिमिज्म है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन मैं ये समझता हूँ जी कि 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं इस मरहले पे। एक तो है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिस संगे मील का आपने जिक्र किया। बावजूद इसके कि पाकिस्तान एक भी वैक्सीन नहीं बनाता, पाकिस्तान ने 10 करोड़ लोगों को दोनों डोजेज वैक्सीन की लगवाना ये आसान काम नहीं है। मैं इस हफ्ते पे रहा हूँ, मुझे पता है कि दुश्वारियाँ कितनी हैं, दुनिया के अंदर कितना इसके मतलब कंपटीशन था वैक्सीन हासिल करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। अच्छा ये बताइए कि इससे मुकम्मल तौर पे जब हम कहें कि हम करीब छुटकारा पा रहे हैं, उसके क्या आसार होंगे? अभी आपने कहा कि अभी ये कहना कबल वक्त है कि छुटकारा पा लिया, लेकिन मजीद हम चंद कदम आगे बढ़ जाएँ तो उसके क्या आसार होंगे? देखिए ना जी, हम कहते रहे हैं पिछली 5 वेव्स के दौरान कि हमारा जो सर्विलेंस सिस्टम है, यानी कि अमराज पे नज़र रखने का जो सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो बहुत इनएडिक्वेट है, यानी कि वो काफ़ी नहीं है, जिसके नतीजे में हम कभी भी इस पूरी एपिसोड के दौरान COVID-19 के कभी भी एतमाद के साथ ये नहीं कह सके कि हमें एग्जैक्ट पाकिस्तान में इस वक्त बीमारी के वबा के फैलाव के हवाले से पूरी सूरत हाल का इदराक है। हम ये भी कहते रहे कि एक अगर आपको आइडेंटिफाई होता है मरीज़, तो उसके पीछे 9-10 मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल को हमें जहन में रखना चाहिए और मेरा ये ख्याल है कि इसको प्री मेच्योरली सेलिब्रेटरी मोड में नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान डॉक्टर साहब जरा ये फरमाइएगा कि अब हम जब इस इख्तितामी मरहले
कि कोविड के इख्तितामी मरहले में के शायद आसपास हम बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये एक बड़ा एक्सपीरियंस था पाकिस्तान के निज़ाम सेहत का, इम्तहान था, चैलेंज था। ये बताइए कि इससे क्या बातें सामने आई हैं, क्या मसाइल हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिनको हमें फौरी तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है अपने निज़ाम सेहत के हवाले से कि जब आइंदा कोई इस किस्म की वबा फैले तो हम बेहतर इक्विप्ड हों। एक चीज़ का आपने बिल्कुल इब्तिदा में जिक्र किया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर एक भी वैक्सीन नहीं बनाई जाती, यानी कि एक अजीब मुल्क है, 22-23 करोड़ है, एक अच्छी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है, मगर यहाँ पर वैक्सीन हम नहीं बनाते। लेकिन मुझे मजबूरी आपकी टेक चाहिए हमारे निज़ाम सेहत के हवाले से, हमने क्या सबक सीखे हैं इस वबा में। जी, ये बहुत अहम इशू है जी, और न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि तमाम तरक्की पजीर मुल्कों के लिए, कि हमने COVID-19 में क्या सीखा और ये जो कुछ सीखा उस पर अब हम कैसे अमल करें कि आइंदा के लिए हम पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल में हों। पाकिस्तान में जिस तरह आपने बिल्कुल यहीं से शुरू कर लेते हैं, पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, पाकिस्तान 5वीं बड़ी इंटरनल मार्केट है आप यूँ समझें, और हम एक भी वैक्सीन नहीं बनाते। ये बहुत ही तशवीशनाक बात है, और मैं समझता हूँ कि एक तो बहुत बड़ा लेसन जो है वो हमें ये सीखना चाहिए कि वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स भी देने चाहिए और इसको अपनी एक बहुत बड़ी तरजीह भी बनानी चाहिए, और ये बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ ही मुमकिन है। दूसरी चीज़ ये है जी कि मैं बार बार इस चीज़ का को एक्सप्लेन करता हूँ कि पाकिस्तान का डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर है। हमने पोलियो के सिस्टम के ऊपर बिल्ड किया COVID-19 की सर्वेलेंस का सिस्टम, इसलिए कि पोलियो का सिस्टम हमारे पूरे मुल्क में दस्तियाब था, तो उसी के ऊपर हमने इसको बिल्ड कर लिया, लेकिन ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। हमें अब कोशिश ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान में एक बहुत रिलायबल डिजीज़ सर्वेलेंस यानी अमराज के फैलाव पे नज़र रखने का जो निज़ाम है उसको बहुत ठोस बुनियादों पे कायम करने की ज़रूरत है, इस वक्त वो बहुत नाकाफी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, वज़ीर आज़म के साबिक़ मामले खुसूसी हमारे साथ है।